नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं, वो महिला है या पुरुष, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ 1 जनवरी 2025 से जितने लोगों को पेंशन मिल रही थी सबकी डबल हो जाएगी। जिस स्टेट में 2000 मिल रहे उनका 4000 हो जाएगा, जिस स्टेट में 1000 मिल रहे उनका 2000 हो जाएगा, जिस स्टेट में 3000 मिल रहे उनका 6000 रुपये हो जाएगा। क्योंकि सरकार एक पेंशन दे रही है, उस पेंशन के तहत जितने भी सीनियर सिटीजन हैं सभी को मंथली उनके गुजारा भत्ता के लिए दिया जाता है। उसमें कुछ राज्य सरकार पैसा मिलाती है और कुछ केंद्र सरकार मिलाती है, दोनों को मिला करके दिया जाता है। तो ये हर एक स्टेट में एक अलग अलग से पेंशन मिल रही है। तो इसकी ये पूरी उम्मीद है कि 1 जनवरी 2025 से इसको बढ़ा दिया जाएगा। उस पर क्या सच्चाई है, कितना क्या, वो सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और जिन लोगों का नहीं बना है वो इसे जरूर बनवा लें, क्योंकि 100 में 100% लोगों को मिल रहा है। अगर कोई ये बात आपको ठुकरा रहा है कि नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल गलत बात है। मेरे आसपास लोगों को मिल रहा है, मेरे घर वालों में भी मिल रहा है, आपके घर वालों को शायद मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो सरकार ये स्कीम दे के रखी है जिसका नाम है वृद्धा पेंशन योजना। वो सीनियर सिटीजन है जो 60 वर्ष से ऊपर हैं उनको यही चीज मिल रही है। और इसमें मैं जो आधिकारिक जो घोषणाएं होती रहती है उसके विषय में बात करूंगा। जो पेंशन अभी मिल रही है तो वो उत्तर प्रदेश में 1000 रुपये मिल रहा है, कौन सी स्टेट में है कहीं पे वहाँ पे 2150 रुपये मिल रहा है, मतलब कि हर एक स्टेट में अलग अलग रूप से मिल रहा है। तो ये इसको जो है 1 जनवरी 2025 से कितना बढ़ेगा वो चीज़ इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। पर उससे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ कि जिन लोगों को नहीं बना है वो बनवाने के लिए उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ताकि वो भी इसका पूरा पूरा लाभ ले सकें। उसके पहले फिर इस विषय में उसके विषय में बात करूंगा। और उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। अगर छोटा सा मैटर होगा तो उसको मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर है तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। क्योंकि मेरे पास कमेंट आते रहते हैं, जो कमेंट आते हैं मैं उनके थ्रू वीडियो बनाता रहता हूँ। ये भी जो वीडियो बना रहा हूँ एक कमेंट के थ्रू ही बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को कमेंट आए हैं कि हम ऐसी बात सुने हैं कि 1 जनवरी 2025 से क्या इसकी पेंशन में वृद्धि होने वाली है। तो जो सही हो उस चीज़ को बताइए, क्योंकि जो बहुत से लोग भ्रम में पड़े हुए हैं, भ्रम में डाल रहे हैं, तो कितना सच्चाई है कितना नहीं सच्चाई वो आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। पर उससे पहले क्या है कि जो लोग नहीं बनवाए हैं, जिनकी उम्र 60 वर्ष से हो गई है, वो जा करके अपने किसी भी सरकारी दफ्तर में जा करके इस चीज़ को बनवा सकते हैं। या तो कोई अपना आपके गांव घर का आदमी हो जो आता जाता हो तहसीली क्षेत्र में, उनसे मुलाकात करके उनसे संपर्क करके बनवा सकते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड में 60 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए, आधार कार्ड आपका नंबर से अपडेट होना चाहिए क्योंकि उसमें एक OTP भी आता है, उसी के थ्रू काम होता है। तो आप इसको मतलब कि ऑनलाइन भी भरवा सकते हैं और ऑफलाइन दोनों तरीके से भर जाता है। और उसके बाद आपके 2 फोटो चाहिए, बैंक का पासबुक चाहिए और उस बैंक में पासबुक में फ़ोटो लगी होनी चाहिए, इतना आइटम ले जा करके आप, और आय प्रमाण पत्र, ये 4 आइटम ले जा करके आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं, ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं। बसरते आपके बैंक का जो अकाउंट वो चालू होना चाहिए, आधार कार्ड में नंबर अपडेट होना चाहिए, इतना भी डॉक्यूमेंट्स में आपका जो लगेगा वो मैं बता दिया हूँ। जो नए लोग हैं और मिल रहे हैं और ये डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आ रहा है, इसमें कोई बिचौलिया खा नहीं सकता है आपके मंथली। किसी किसी के यहाँ क्या होता है कि तीसरे महीने देते हैं, किसी किसी स्टेट में होता है कि हर महीने देते हैं, मगर पैसा आपको जितना महीने में दिया जा रहा है आपकी स्टेट में वो पैसा आपको पूरा का पूरा मिलेगा। और अगर आप लोग नहीं बनवाए हैं तो तत्काल जा करके इस चीज़ को बनवा करके इसका लाभ लीजिए। और जो लोग बनवाए हुए हैं, जिन लोगों का कमेंट आया है मेरे पास कि क्या 1 जनवरी 2025 से इसकी जो मिल रही है जितना पेंशन सरकार दे रही है क्या उसका डबल हो जाएगा, तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि सिर्फ एक अनुमान लगाया जा रहा है, एक आशा किया जा रहा है, कहीं कहीं से बातें निकल करके बाहर आ रही हैं कि 1 जनवरी 2025 से जो वृद्धा पेंशन लोगों को मिल रही है
उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। अब कितनी की जाएगी, कितनी नहीं की जाएगी, कहीं पे अभी आधिकारिक घोषणा ऐसी नहीं की गई है कि इसका जस्ट डबल कर दिया जाएगा। हाँ, सुनने को मिल रहा है कहीं पे डबल कर दिया जाएगा, सुनने को मिल रहा है कि कुछ बढ़ा दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार कितना बढ़ाती है, आपकी स्टेट की राज्य सरकार आपको कितना बढ़ा के देती है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा है कि 400 रुपये ही मिलता है आपको कोई कोई स्टेट में, तो 400 रुपये में कुछ होता नहीं, तो इसलिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। इसलिए कई लोग इसमें जो है इसका प्रचार भी करते रहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत कम मिल रहा है, सरकार तक इस बात को पहुँचाया जाए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ ताकि सरकार तक ये बातें पहुँच सके कि जिस स्टेट में 400 रुपये मिल रहे हैं, 400 रुपये में आज के टाइम में वृद्धा पेंशन के लिए अगर वृद्धा अवस्था आ गई है, अगर उसके लड़के बच्चे उसके साथ नहीं दे रहे हैं या नहीं है उनके, तो 400 रुपये में कुछ होने वाला नहीं है, उनको सही से पेंशन दी जाए जिससे कि आदमी अगर गुजारा करना है तो कम से कम ना दाल चावल सब्जी रोटी, तो सब्जी रोटी या तो दाल रोटी नहीं तो नमक रोटी तो खा ही सके, इतना पैसा उनको जरूर दिया जाए जिससे कि उनका भरण पोषण हो सके, अच्छे तरीके से हो सके। और इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही था, आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिएगा कि सरकार तक की बातें पहुंचने लगे, जिससे कि आप लोगों को जिस स्टेट में कम पैसा मिल रहा और ज़्यादा मिले, और जिनको ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा तो किसी को मिल नहीं रहा, कहीं 1000 कहीं 2000, कोई एक ऐसा स्टेट है, मेरे पास एक कमेंट आया था कि 3000 रुपये मिल रहा है, तो जहाँ पर 3000 मिल रहा है डबल अगर हो जाए तो कम से कम नहीं कुछ तो आज के महंगाई में तो 5000 रुपये पेंशन मंथली होना चाहिए, जो है कि 5000 रुपये अगर मिलेगा तो 5000 रुपये में सीनियर सिटीजन अपना जो है किसी न किसी प्रकार से महीना गुजारा कर लेंगे। तो इस बात को पहुंचाने के लिए आपको वीडियो शेयर करना पड़ेगी। और दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुँच सके, सरकार तक ये बात पहुँच सके, ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।